जल्दी जल्दी उठ गया था आज यार 7:30 बजे, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में मैं जल्दी सो जाता था, जल्दी उठ जाता था। अभी यहाँ पे तो उठ गया हूँ जल्दी। बस अब देखो ये मौसम और क्या बाहर का कुछ ऐसा। पहले भाई नहाते हैं, अभी टॉवल नहीं था, मैंने टॉवल मंगवाया है भाई, टॉवल दो दे दो। तो चलो पहले नहाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको। ये इनके मिरर्स की ना खास बात है, ये जो है ना ये फॉग सी जो जम जाती है, ये ही सेंटर है जमती। भगत की तबीयत रीड कर ली है तो अभी हम निकलते हैं बाहर, लेकिन कुछ खा लेता हूँ पहले, उसके बाद निकलते हैं। टिकट घड़ियाँ ही इम्पोर्ट करवा रखी है इन्होंने, सही है यार। गोल्ड 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 गोल्ड। अभी हम पहुँचे हैं गोल्ड सूक एक्सटेंशन, यहाँ पे ये सारा का सारा गोल्ड का ही एरिया है जितना भी है, और गोल्ड यहाँ पे अभी हम गए थे एक शॉप पे, वहाँ पे पता किया है तो इंडिया से लगभग 5,000 से 6,000 रुपये सस्ता है यहाँ पे गोल्ड। और गोल्ड भाई यहाँ पे 21 कैरेट भी है और बहुत अच्छा गोल्ड है। जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है वो सिर्फ एक बिल्डिंग प्रॉपर गाड़ी लगाने की है, पूरी दिखाऊंगा मैं जाते हुए आपको। हम उस वाले ब्रिज से आए हैं, वो जो ब्रिज दिख रहा है, जिस जगह अभी मैं घूम रहा हूँ ये सारी की सारी है गोल्ड सुख। और यहाँ पे बहुत ही देखो आप, सारी की सारी गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स हैं, और इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वैरायटीज़ हैं, मतलब हर एक, जैसे राधा माधव की छोटी सी है, बहुत ही अच्छा कहते हैं ना, बहुत बारीकी काम कर रखा है, पता लग रहा है कि हाँ वो है, 21 कैरेट में है, 22 कैरेट में है, और 4,000-5,000 रुपये सस्ता भी है इंडिया के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बादल भी यार, ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। आजकल में बारिश पड़ जाएगी, बहुत कम सुना होगा आपने कि दुबई में बारिश होती है, बारिश होती नहीं है दुबई में, बारिश करवाई जाती है दुबई में। ये देखो अब इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे नहीं पता, भगवान जाने कैसे लेके आते हैं ये बादल और कैसे ये बारिश करवाते हैं। और ये जो जितनी यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हो ना आप, ये हो गई या आगे भी हैं पेड़ लगा रखे हैं, सब इम्पोर्ट करवा रखे हैं। लेकिन यार मेंटेनेंस देखो, मेंटेन कैसे करके रखा हुआ है, ऐसे लगता है कि इंडिया में ही है। कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, यहाँ के नहीं है ये एक्चुअल में, ये सारे के सारे इंपोर्ट करवा रखे हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ अलसीस में, नियर मीना बाज़ार, लास्ट टाइम जहाँ से इत्र लिया था, तो आज भी उसी शॉप पे चल रहे हैं लेने के लिए। गोल्ड की भी, गोल्ड लैंड में भी हो गए हैं, बहुत बढ़िया था, गोल्ड का भी रेट बता दिया मैंने कैसा था कितना था। तो अभी हम पहुँचे हैं अलसीस में, यहाँ पे एंटिक एंटिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, रश कम है यहाँ पे, क्योंकि आज है मंडे। हाँ मंडे आज। इसको देखे कुछ याद है, हम आ गए हैं खाने के लिए आइसक्रीम। ये अभी पहली बार देखे, ये न्यू लगाया है भैया ने, तो मैंने कहा ये क्या है इसका, ये बबल गम वाला टेस्ट करवाना, ठीक है देख लेते कैसे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो पी भी लेंगे थोड़ा सा, है ना, टेस्ट करवा देना। वैसे तो आए थे हम आइसक्रीम खाने के लिए भैया के पास, तो पहले अभी एक टेस्ट करते हैं। ये अभी न्यू ओपन किया आपने, न्यू लगाया ना, इसमें 3 स्टैम्प है, पूरी लगने के बाद एक और फ्री हो जाती है। हाँ ये बात, थोड़ा इधर कंजूसी हो गई थी भाई, एक तो हमने आइसक्रीम भी मैंने फ्री में ले ली और 3 स्टैम्प और लगवा ली, ये जानते हैं ना भैया, यहाँ पे भी और वहाँ पे दुबई आई में भी। ये लगा दो थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हुए आ गए यार, कुछ वो देखते हैं। ये अल्कोहल नहीं है, प्योरिटी है, ये देखो ये लाइटर है, लाइटर से जल्दी नहीं, अल्कोहल नहीं है, प्योर चीज है भाई, सही चीज है, ये भी गोल्ड की अल्कोहल नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे टेस्ट करवाते हैं ब्लैक मस्क, जहावड़ा भरोसा जहावड़ ये लेंगे भाई हम भी। ऊपर से खुशबू नहीं आ रही भैया, अगर इसको इसको स्मेल करो इसको, ओ भाई मिंट है, जबरदस्त चीज है, ठंडा ठंडा। यहाँ से स्प्रे होता है, इसको दबा के प्योर है, बिल्कुल प्योर ना, यहाँ तो वैसे भी डुप्लीकेट चीज़ तो मिलता ही नहीं है। ये बिल्कुल केसर है भाई, प्योर केसर। ये एक पीस उठाओ भैया ने बोला, हमारे पास चॉकलेट्स भी हैं विदाउट एग,
कह रहे हमारे टूरिस्ट आते हैं वो बोलते हैं कि विदाउट एग हमें चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं एक बार चेक करके देखते हैं। ये एक टेस्ट करने के लिए दिया भैया ने मेरे को, खजूर की है ये, खजूर की चॉकलेट, ये वाला चॉकलेट है, अंदर बादाम भी है, अंदर बादाम है, विदाउट एग है ना, विदाउट एग है, एग नहीं है ये, बिल्कुल विदाउट एग है, विदाउट एग है। गलत बात है, जबरदस्त है यार, बहुत अच्छी चॉकलेट है, खजूर वाली। मेरे को एक दे तो दो, एक बढ़िया एक और खाऊंगा। ये देखो ये कैमल मिल्क है, अच्छा ऊन की दूध से ये बनता है। अच्छा ये कैमल मिल्क, ये भी हम फ्री में टेस्ट करेंगे। खजूर भी मिक्स है। अच्छा इसमें खजूर भी मिक्स है। हाँ अच्छा, खजूर है, बादाम है और सिर्फ कैमल स्पाइसेस, ये स्पाइसेस, ये चॉकलेट है सर। टेस्ट तो करेंगे, भैया का पैकेट खुलवा दिया, थैंक यू, ये भी टेस्ट करूँगा। अब आए हैं तो भाई टेस्ट तो करेंगे, इसका भी टेस्ट बनता है इधर। इसका भी टेस्ट बनता है, ये कैमल मिल्क है चॉकलेट, ये देख खजूर, खजूर वाला चॉकलेट है ये कैमल मिल्क के साथ। रेट अपने हिसाब से लगा लेना आप, ठीक है ना, ऐसा प्राइस बहुत दिया पूरा दुबई में, आपको ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा, हाँ चीज भी नहीं मिलेगा, पैसों की वो नहीं करो, तुम लोग चीज को देखो, चीज को देखो, हम चीज को देखें, पैसा भी देखें, पैसा भी जरूरी है भाई। हम आते हैं दोबारा आपके पास आएंगे, थैंक यू भैया, थैंक यू भाई, करते करते सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ले ली है, काफी सारे सौवनियर है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना लेके आता हूँ, तो इसमें हमने ये वाला फाइनल किया है, तो ये भी हैं काफ़ी सारे हैं, ये ऊँट वगैरह काफ़ी हैं, एक ले लिया हमने भाई, यहाँ तो काफ़ी सारे हैं ये लगाने वाले, ये भी थे नोट पसंद आ रहा था लेकिन नहीं, हमने ले लिया एक, इसलिए ज़्यादा नहीं। अभी मैं जिस दुकान पे आया ना उस पर आप कोई भी चीज़ लो उस पर नाम लिखा जाएगा, अभी मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना, ये खाली चीज़ें इन पर नाम लिखा जाएगा, तो चलो भैया कह रहे पहले ट्राई कर लेते हैं उसके बाद ही लेना, पहले ट्राई करते हैं एक पे नाम लिखवा के, अगर लिखा जाता है तो एक तो ट्राई करते हैं, मतलब सब पे नाम लिखा जाता है ऐसे, ये जो है ना ऐसे ये नाम लिखा देते हैं। मैंने अपने नाम का एक बनाया है, देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है पहनूंगा तो नहीं लेकिन चलो शो के लिए रहेगा तो ठीक है। हमने काफ़ी आज शॉपिंग कर ली है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, तो ये देखो व्यू देखो मेरे पीछे कितना अच्छा है, आपको बोट यहाँ से उस साइड भी लेके जा सकती है, उधर भी शॉपिंग करके आप यहाँ पे वापस आ सकते हो, लेकिन हमारी शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हम चलते हैं घर, और भूख भी बहुत लग रही है, एक एक दुकान पे हमारे एक एक घंटा लग गया, तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँचे हैं वाटरफॉल देखने के लिए, वैसे वो सामने दुबई शो चल रहा है, टिकट वगैरह लेके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाटरफॉल है वो देखने के लिए आए हैं स्पेशली, रास्ते में ही पड़ता है, फिर उसके बाद चलेंगे घर। मैं ना इसकी भी टिकट पता करने जा रहा हूँ कितने की है इसकी टिकट, ये जो सामने है गाड़ी रुक जाती है पैदल चलने वालों के लिए, इसकी पता करके आते हैं क्या चीज़ है ये, पता नहीं नाम है भाई साहब, अलग ही चीज़ है कुछ। कह रहे हैं अभी बंद हो चुका है, मैं आया था पूछने के लिए, 9 बज गए हैं, कह रहे हैं अभी बंद हो चुका है, 6 to 9 ही ओपन होता है, और 250 दिरहम इसकी है टिकट। सर्कस शो है, सर्कस है दुबई की, बड़ी ज़बरदस्त सर्कस है, तो मैंने कहा चल अभी तो नहीं हम देख पाएंगे, तो उसके साथ होटल में घुस गया था ऊपर। ब्रिज है ये वाला जो है, ये मेट्रो के लिए है और ये वाला गाड़ियों के लिए है, और सामने होटल्स है, वो सर्कस लगी हुई है, वहाँ से आया था, और मैं यहाँ पे सोच रहा था 2 घंटे के लिए ले लेता हूँ गाड़ी की पार्किंग, लेकिन अब 1 घंटे के लिए लूँगा, बहुत है, पहले पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं ना, अगर जिसने भी मेरी ये सीरीज़ देख रहा है दुबई की उसको पता लग जाएगा कि गाड़ी खड़ते ही पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, उसके बाद करना पड़ता है, तो भाई पहले मैं 1 घंटे के ले लेता हूँ, बहुत है। ये रही टिकट, तो ठीक है अब निकलते हैं, वाटरफॉल ही देखने चलते हैं, ठीक है यहाँ तो ये तो ऑफ है, तो वाटरफॉल देखने चलते हैं। इसको देखने आया था मैं तो, ये देखो ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, रूई सी झाग जी बन रही है, एक यहाँ पे है और एक वो सामने है, बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन अब ना मैं दोबारा आया हूँ जब दुबई में, यहाँ पे इतनी वो वाली गर्मी नहीं है, अब थोड़ी ठंडक सी हो गई, क्योंकि एक बार बारिश हो चुकी है ना,
वो देखो वो बोट निकल रही है ना, तो बंद हो जाते हैं साइड के, दो ही चलते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, ये भी दोनों बंद हो गए हैं बीच के। ये बोट निकल जाएगी तो देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। क्या चल गया, सिंगल सिंगल चल रहा है वो, देखो चल रहा है ना सिंगल सिंगल चल रहा है यार, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। चल गया भाई चल गया, यहाँ पे भी चल गया, अब यहाँ पे भी चल गया। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया ना ये चल गया, मतलब एक बोट के जाने के 5 मिनट बाद चल जाता है अपने आप, और सिंगल सिंगल चलता है। तो ये फिर बंद हो गया क्योंकि बोट आ रही है, वो आ रही है ना, वो देखो वहाँ से। अभी हम आए हैं नीचे से ऊपर, स्पेशल लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से ऊपर आए हैं। ये चल रहा है फाउंटेन और ऊपर आ गया था मैं, ये रोड पूरी फुल स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हैं। मैं स्पेशल ऊपर आया हूँ दिखाने के लिए, ये रोड चल रही है और वहाँ पे नीचे है फाउंटेन, और ये है मेट्रो। मेरे पीछे देख रहे हो, मेट्रो भी आ रही है, ये मेट्रो निकलेगी यहाँ से बिल्कुल ही पास। अगर टाइम लगा तो कभी मेट्रो पे भी जाके आएंगे। जो देखा मैंने वो आपको भी दिखा दी यहाँ से, बस अब निकलते हैं यहाँ से, अब घर चलते हैं, या पहले कुछ खा लिया जाए। लेकिन भूख तो है नहीं, चॉकलेट खा खा के पेट भर लिया मैंने। यार एक सीन हो गया था, अभी हम पंजाब से आए हैं रेस्टोरेंट में, एक सीन हो गया था फ़ोन के साथ, बस दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा कैमरा ना, मतलब ये फ़ोन मेरा, मैं रोड क्रॉस कर रहा था यहाँ पे गिर गया था, मुझे भी नहीं पता लगा कब गिर गया ये फ़ोन, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, मैंने भाग के रोड क्रॉस की और अंदर यहाँ पे पंजाब में अंदर जाके रेस्टोरेंट में बैठ गए। अगर इंडिया होता मैं डैम श्योर हूँ नहीं मिलता, मैं डैम श्योर हूँ नहीं मिलता। ये तो भाई दुबई था, ये मेरे साथ होता ही हमेशा। और ये भाई फ़ोन टूट गया सारा, देखो ध्यान से, क्रैक आ चुका है, इसमें भी क्रैक आ चुका है, नाश बच गया पूरा। चलो कोई बात नहीं, ये भी लिखा था, ये मैंने यहीं से लिया था दुबई से 13 तारीख को। अगर बाई चांस 12 को भी गिरता ना ये तो मैं नया ले लेता, चेंज हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो भाई हम आ गए हैं घर पे, खाना वगैरह हो गया है, फ़ोन भी टूट गया है, बुरा हाल हो गया है, मूड थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी को देख के ठीक हो गया। बहुत ऐसा भाई, पगड़ी गाड़ी है ये भी, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ तो फिर आम ही दिखती हैं अभी यहाँ पे। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल नए व्लॉग के साथ शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा सा नुकसान तो हो गया यार फोन का। चलो सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। यार फ़ोन का ना कबाड़ा हो गया, दो जो है ना दो कैमरे गए, हाँ दो कैमरे गए, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। लेकिन मेरे को इंट्यूशन आ रही थी, पता है मेरे को इंट्यूशन आ रही थी कि आज कुछ होगा फोन के साथ। जब मैं वहाँ पे खड़ा था ना जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था, वहाँ पे मेरे को लग रहा था कि फोन जाएगा, वहाँ पे संभाल के रखा, लेकिन रोड पे पटक हो गया। ये तो किसी ने उठा के रख दिया, मुझे भी नहीं पता लगा कि ऐसा हो गया था भाई। दुबई था इसलिए मिल गया, क्राइम फ्री कंट्री है ना, तो ये फायदा हो जाता है।